हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे मलाई से मक्खन और घी कैसे निकालते हैं जो घर में दूध लेते उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी मलाई जो मैं घर में दूध लेती हूँ उसी का है, और ये है दही। तो हमने इसमें भगोने में थोड़ा सा दही लिया है, और ये मलाई है। ये हमने फ्रिज में रख के कई दिनों की मलाई है इकट्ठा किया था। जो दूध पकाते हैं उसमें मलाई निकलती है। हम लोग जो घर के यूज के लिए दूध लेते हैं उसी की मलाई है। तो हम एक बर्तन में मलाई डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और दही मेरा घर का जमाया हुआ था तो करीब 250 ग्राम दही डाल दिया है। इस ब्लेंडर में हमने ये वाला ब्लेड डाल दिया है, और ये मलाई है तो फ्रिज में रखने से ये जम गया था, तो हम इसको इस तरह तोड़ देंगे हाथों से, तो उससे मशीन चलाने में सही रहेगा। इस तरह हम हाथों से तोड़ दिया है, और अब हम इसमें मशीन को धीरे धीरे चलाएंगे, और बीच बीच में रोक भी देना है एक एक मिनट के लिए, क्योंकि गर्म हो जाता है ये। इसलिए हम इस तरह इसको घुमा के और मथेंगे अच्छे से मलाई को। एक हाथ से हम भगोने को भी पकड़े हुए हैं और चला रहे हैं इस तरह घुमा के। इससे जो मलाई की गांठें होंगी वो टूट जाएंगी और अच्छे से इसमें मक्खन निकल आएगा। इस तरह हमें घुमाना है। हमने बीच में रोक दिया था थोड़ा सा, अब हम फिर से चालू करेंगे मशीन को, फिर से चलाएंगे, और थोड़ा थोड़ा हमें पानी भी डालते जाना है। पानी डालने से ही अच्छे से मक्खन निकलता है, तो हम पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसी तरह चलाते जाएंगे। तो देखिए मेरा भगोना फूल हो गया है, तो मैं इस बर्तन में डाल लेती हूँ। एक बाल्टी है मेरे स्टील की, और पानी भी डाला हुआ है, तो इसमें मैं डाल के और इसमें मथूंगी। वो छोटा पड़ रहा है भगोना, पानी डालने से भर गया है, इसलिए हम बाल्टी में डाल लिया है। इसमें आसानी से मत जाएगा, उछलेगा भी नहीं। अभी भगोने में उछल रहा था। हम फिर से मथेंगे इसको ये मशीन से। इस तरह देखिए अच्छे से मथ रहा है, इसमें उछल भी नहीं रहा, और हमारा मक्खन बनना शुरू हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब ठंडियों में अच्छे से मक्खन निकलता है, गर्मियों में मक्खन पिघल जाता है, तो हमको गर्मियों में ठंडा पानी डालना चाहिए फ्रिज का रखा हुआ। तो देखिए हमारा मक्खन अच्छे से निकल आया है। ये देखिए हम थोड़ी सी और मशीन को इसमें घुमा देंगे तो ये अच्छे से बंध जाएगा मक्खन, और आसानी से हाथों से निकल भी आएगा। तो घर का घी बनाने का आइडिया यही है, मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं। अब हम इस मशीन को पानी से धुल देंगे, इससे जो मक्खन लगा हुआ है ये निकल जाएगा सारा। और ये बाल्टी से हम मक्खन अब निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होता है, मक्खन ठंडा हो जाता है, तो निकालने में आसानी रहती है। ये देखिए हमारा मक्खन कितना अच्छा बनकर तैयार है। आप इसका घी निकालना चाहें तो घी निकाल सकते हैं, और गर्मियों में मूंग दाल के पराठों के साथ डाल के खा सकते हैं। तो हम एक छोटी सी कढ़ाई लिया हुआ है, इसी में मक्खन निकाल लेंगे। और ये देखिए अब हम कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है घी बनाने के लिए, तो हम अब घी बनाएंगे इसका। देखिए मक्खन हमारा पिघलने लगा है। फ्लेम को घी बनाते समय मीडियम ही रखें, हाई नहीं करें, नहीं तो ये उबल जाएगा। डायरेक्ट मलाई से भी घी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कचरा बहुत निकलता है, तो उसके साथ घी भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए मक्खन निकालने के बाद घी बनाएं तो ज़्यादा कचरा भी नहीं निकलता और घी भी वेस्ट नहीं होता।
तो ये देखिए मेरा मक्खन पूरा पिघल गया है, घी बनना तैयार हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बबल आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह का घी है। और घर का घी खाने की बात ही कुछ और होती है, घर में बना हुआ घी एकदम से फ्रेश रहता है और खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। ये मैं गाय का दूध लेती हूँ इसलिए इसका कलर थोड़ा पीला होगा। भैंस के दूध का जो दूध से घी निकालते हैं उसका कलर थोड़ा चेंज रहता है, वाइट होता है। तो ये देखिए ये बबल आ गए हैं। इस तरह जब बबल आज आने लगे तब हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए घी पूरा एकदम से परफेक्ट बन चुका है और ज़्यादा कचरा भी नहीं निकला है। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और कढ़ाई को नीचे उतार के और घी को थोड़ा देर ठंडा करेंगे। उसके बाद हम छानेंगे छन्नी से। देखिए कचरा नहीं निकला इसमें ज़्यादा, बहुत ही कम कचरा है, नीचे थोड़ा सा निकला है। अब हम घी को छान लेंगे। ये घी का डिब्बा है मेरा, जो खाने के लिए जिस डिब्बे में रखते हैं उसी में मैं छान लेती हूँ। इस तरह हम छान लेते हैं सारे घी को। देखिए कचरा भी बहुत कम ही निकल रहा है, कचरा नहीं निकल रहा ज़्यादा। हम इसी तरह छानेंगे। हम सारा घी छान लिए हैं और इस तरह इसको दबा देंगे तो जो घी होगा वो निकल जाएगा। और देखिए कचरा कितना कम निकला है, ये करीब एक स्पून ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए एक स्पून ही है इसका कचरा। और मलाई से ही यदि आप डायरेक्ट घी निकालते हैं तो बहुत कचरा निकलता है और घी भी बहुत वेस्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा घी कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ है। और ये करीब 150 ग्राम घी होगा मेरा। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।